हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। जैसा हम यहाँ पे बात करने वाले कि भाई मंडे के दिन मार्केट कैसा रहने वाला है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। बट उससे पहले जैसा आज का मार्केट रहा था हमारा, गैप अप होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे देखो कि एक साइडवेज मूवमेंट बताया था, इसके बारे में लोग यहाँ पे बात करने वाले। बाकी आपको मैंने यहाँ पे वीडियो भी बताई कि भाई गैप अप अगर मार्केट यहाँ पे होता है आपको कैसे काम करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ कि भाई आपको इस हिसाब से मार्केट में काम करना है, तो आप यहाँ पे अपडेट रहिए। मैं आपको मतलब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो भी जानकारी रहती है मेरे हिसाब से, जो भी मैंने यहाँ पे 4-5 साल से सीखा है, 4-5 साल में, वो आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो भी लोग यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी जितने भी आपको मतलब यहाँ पे साल हो गए, बट यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे पॉइंट रहता है मार्केट में कि आपकी लर्निंग कैसी है मार्केट में। यहाँ पे आपने कितना टाइम दिया है गैम्बलिंग में, टाइम दिया तो वो टाइम आपको यहाँ पे नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मार्केट में आपको मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट दे दी, मतलब यहाँ पे मैंने अपना पूरा कोर्स दे दिया आपको यहाँ पे, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्जेस वगैरह भी नहीं इसके। आप जाकर के चेकआउट कीजिएगा यहाँ पे, बिगनर हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, ये वीडियो पे आप जाओगे मतलब प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, यहाँ पे देखिएगा लाइन वाइज लाइन आपको मैंने यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किया है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। यहाँ पे आपको मिलेगा कि भाई आप किस माध्यम से मतलब यहाँ पे आए हो ट्रेडिंग करने के लिए, एक प्राइस एक्शन, एकदम बेस्ट प्राइस एक्शन आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की एकदम ईजी लैंग्वेज में। यहाँ पे चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है, कैंडलस्टिक कैसे देखना है, यहाँ पे आपको मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड की है मार्केट में, ऑप्शन चेन कैसे देखना है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, ये आपको पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और बेस्ट डीमेट अकाउंट आपने यहाँ अगर अपस्टॉक यूज़ कर रहे हो या फिर जरोधा यूज़ कर रहे हो या फिर मतलब यहाँ पे कोटक, देखो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। एक ट्रेडिंग सेटअप जो मैं यहाँ पे पर्सनली यूज़ करता हूँ वो आपको मैंने यहाँ पे पूरा समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जाकर के वीडियो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे जो लोग करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, लॉस करते हैं, पूरा आपको मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है। और स्टॉप लॉस कैसे लगाना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब यहाँ पे मार्केट में जो माना जाता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, किस पॉइंट पे, और यहाँ पे जो लोगों को स्टॉप लॉस मतलब लॉसेस हुए तो रिकवर कैसे करें, और ट्रेडिंग 2.0 मतलब सेटअप है अपना यहाँ पे, जो आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए या फिर मतलब डिलीवरी शेयर बाई करने के लिए आपको पूरा यहाँ पे मैंने क्लियर किया है। एंट्री एग्जिट कैसे करना है, और गैप अप गैप डाउन होता है तो मार्केट कैसे ट्रेड करना है, देखो यहाँ पे गैप अप हुआ हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड करते हैं, वो आपको मैंने यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है। तो जाकर के वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। और जो लोग यहाँ पे अगर जैसे कोई कैपिटल उसका मतलब कितना भी बड़ा हो गया मतलब यहाँ पे, बट उसको जैसे स्टार्टिंग में जो आपको मतलब कैपिटल रखना है वो आपको कैसे मतलब यहाँ पे रखना है, कैपिटल कितना होना चाहिए, वो आपको मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताया हुआ। तो बिगनर जा करके वीडियो ये पूरा का पूरा जो स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे वीडियो बताया हुआ, अपना पूरा जो आपको मैंने यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड किया है, कुछ दिन में होगा तो मैं इसको प्राइवेट भी कर दूंगा, क्योंकि भाई देखो मार्केट में है ना लोगों को कदर नहीं है, जब तक उनको फ्री में मिलता तब तक उनको कदर ही नहीं रहती। तो आप जा करके देखिए पूरा का पूरा वीडियो, अदरवाइज यहाँ पे प्राइवेट हो जाएगा वीडियो, तो फिर बाद में आपको भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह देना पड़ेगा। तो आप जा करके अभी सीख लीजिए मार्केट में, ठीक है। और जो भी मुझसे होता है मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे टेलीग्राम हो गया, बाकी सब में, ठीक है। जैसे ये भाई को यहाँ पे मैसेज देखो, यहाँ पे इसको भाई को मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया यहाँ पे, तो आप भी जा करके यहाँ पे अच्छे से सीख सकते हैं, अपनी एक वैल्यू मार्केट में रख सकते हैं, ठीक है। आप तो यहाँ पे आप इसी हिसाब से मार्केट में काम कीजिए। बाकी हम लोग यहाँ पे देखो कैसे स्टार्ट किया, गुड मॉर्निंग से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर अपने को यहाँ पे 300 पॉइंट जैसे 250-300 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, आपको मैंने यहाँ पे अपडेट दिया। उसके बाद मार्केट में देखो कि प्री ओपनिंग मार्केट की थी हमारी यहाँ पे 40, 60 और 90, यहाँ पे 98 निफ्टी बैंक यहाँ पे, तो इस हिसाब से हम कम से कम यहाँ पे देखा जाए तो 0.5% के करीब ऊपर था मार्केट, ठीक है। उसके बाद जैसे मार्केट का लेवल आया, मैंने आपको बोला कि अपना यहाँ पे टारगेट डन हो गया निफ्टी 50 में, सेम यहाँ पे बैंक निफ्टी पे गैप अप होने के बाद मार्केट और तेज भागा। कल बैंक निफ्टी नीचे था ना, और आज देखो पूरा का पूरा उसने कवर कर लिया, ये देखो पूरा का पूरा उसने यहाँ पे अपने को लेवल दे दिया ऊपर का। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे निफ्टी तो देखोगे आप यहाँ पे इतना स्पीड में ऊपर की तरफ नहीं भागा था, बट बैंक निफ्टी देखोगे आप यहाँ पे इसने मूवमेंट देखो कितना फास्ट दिया ऊपर की तरफ। तो ये होता भाई मार्केट मोमेंटम पकड़ना। तब ये चीज़ देखो यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने अपने ईएमए के ऊपर चलता, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉल का पोजीशन लेंगे, पुट लेंगे ही नहीं हम लोग यहाँ पे, और क्या करेंगे कि जब तक हमारा यहाँ पे ट्रेड नहीं आता तब तक हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे नहीं। बाकी आपने देखा यहाँ पे आपको मार्केट में इस हिसाब से मार्केट में काम करना है। और यहाँ पे देखो, और मैंने आपको यहाँ पे क्या अपडेट दिया भाई मार्केट किस हिसाब से चला। बाकी मार्केट में देखोगे कुछ लोगों को यहाँ पे पता भी नहीं भाई एंट्री एग्जिट कैसे करना है, तो वो आपको मैंने यहाँ पे फिर से एक बार अपलोड करके यहाँ पे वीडियो मतलब यहाँ पे अपडेट किया भाई। वीडियो जा करके देखिए, सीखिए मार्केट में। जो लोगों ने अभी भी वीडियो नहीं देखा जा करके देखिए, मैंने प्लेलिस्ट पर रखा हो, मेरे वीडियोस में मिल जाएगी, ठीक है। चैनल में जा करके देख लीजिए पहले तो वीडियो, उसके बाद देखिए मार्केट में। ये 3 मिनट का चार्ट था, कुछ लोगों ने बोला सर यहाँ पे 15 मिनट में अभी तक चार्ट हमारा आया नहीं है, तो मैं क्या करूँ सर। वो लोगों को इतनी जल्दी रहती कि भाई सर अगर मतलब मेरा सेटअप आया नहीं, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। भाई सेटअप का वेट कर लो, क्योंकि भाई अगर आपका कैपिटल चला गया तो वो सेटअप का भी मतलब यहाँ पे आप मतलब वो ट्रेड नहीं ले पाओगे अगर वो सेटअप भी आ गया तो भाई वो सेटअप का वेट कर लिया करो। अदरवाइज मैंने आपको देखो यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट भी बताया, अगर लो रिस्क लेना है यहाँ पे तो एक छोटा सा अगर यहाँ पे कैंडल बनता है इसमें रिस्क ले लीजिए आप यहाँ पे,
ठीक है, तो आप इस हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी सेटअप को आने तो जल्दी मत करो कोई भी चीज़ में। ऊपर से देखो मार्केट में निफ्टी बैंक है यहाँ पे, जो अपना यहाँ पे जो लेवल था देखो रिटेस्ट करके 44,000 कितना है 842, इसको रिटेस्ट करके ऊपर फिर से गिरा, फिर से रिटेस्ट करके ऊपर। और आपको मैं चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखिए रिटेस्ट करके ऊपर, रिटेस्ट करके ऊपर, फिर से गिरा, फिर से रिटेस्ट करके ऊपर, और हमारे देखो ईएमए को टच करके ऊपर की तरफ गया। और जैसे यहाँ से गिरा देखो बड़ी सी एक रेड कैंडल बनी, और यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे का मूवमेंट अभी देने की तैयारी में खड़ा है मार्केट यहाँ पे। तो ये मूवमेंट भी मार्केट में आ सकता है। बाकी देखोगे और मैंने आपको यहाँ पे क्या अपडेट दिया, आपको जो भी रहती है अपडेट देखो यहाँ पे निफ्टी बैंक हो गया, और एक तरफ होगा यहाँ पे निफ्टी 50, दोनों अपने ईएमए के ऊपर है। अब आप खुद देख लीजिए यहाँ पे मार्केट आया कि नहीं है। बाकी आपको देखो मैंने यहाँ पे एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस, हाँ ये एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हुआ था लोगों का यहाँ पे देखो, जिसने 44,855, 842 पे यहाँ पे रखा था। तो यहाँ पे लोगों का देखो एक बड़ी सी कैंडल ऊपर गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट, नीचे आई यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। तो ये चीज़ होती है भाई मार्केट में ट्रेपिंग, तो आपको इससे मतलब यहाँ पे सीखना है मार्केट में। देखो टाटा पावर ये भी अच्छा खासा मतलब यहाँ पे स्टॉक देखो ये मेरे को टच करके फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ गया 275, 277, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिली। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको देखो ये कैंडल जब बन रही थी ना तभी आपको मैंने बताया देखो माई मार्केट में इस हिसाब से ट्रिपल टॉप बन रहा है, कितना मिनट अपना यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में, तो ये मार्केट यहाँ से फॉलो तो वापस दिखाई दे सकता है। तो आपको मैंने पैटर्न भी बताया कि भाई मार्केट में इस हिसाब से हो सकता है। तो ये सारी आपको मैंने यहाँ पे आज अपडेट दी। बाकी मार्केट में आपको क्या करना है कि भाई अच्छे से काम करना है भाई, कि इस हिसाब से मतलब जैसे कोई गैम्बलिंग करते हैं उसको अवॉइड करो मार्केट में। आपको सिर्फ लर्निंग के ऊपर फोकस करने का, भाई मेरा एक ऐसा सेटअप मैं बनाऊंगा मार्केट में जो मुझे यहाँ पे जो लाइफ टाइम मुझे यहाँ पे पैसा देगा, मतलब उसमें ऐसी एक्यूरेसी बना लूँगा जिससे मार्केट में 10% 15% डेली या फिर मंथली आप अगर अर्निंग करने की कोशिश करोगे तो भी आप साल भर में आपका जो 1,00,000 का कैपिटल होगा उसको डबल कर लोगे, ठीक है। तो आप इस हिसाब से मार्केट में काम कीजिए। परसेंटेज देखिए भाई मार्केट में आपको डेली कितना परसेंटेज चाहिए, 2%, 3%, 10%, 15%, ये देखिए ना करके आपका 50,000 का जो कैपिटल है उसको आपने यहाँ पे एक ही दो दिन में डबल करना है, ऐसे मत आइए। अगर ऐसे आओगे तो वो पैसा आप यहाँ पे गवा दोगे, मैं पूरी गारंटी के साथ यहाँ पे बोलता हूँ। तो आप अच्छे से मार्केट में काम कीजिए, और जैसे आज 1 दिसंबर था मार्केट में, तो आज से आपके यहाँ पे जर्नी इस मंथ की जर्नी स्टार्ट होती है। तो इस मंथ में यहाँ पे लेके चलोगे भाई मार्केट मुझे इतनी लर्निंग करनी, इतना सीखना है मार्केट में मुझे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फटाफट से बात कर लेंगे मंडे के बारे में कि भाई मंडे मार्केट कैसा रह सकता है। तो यहाँ पे चलेंगे लेवल के ऊपर कि भाई आज के हमारे कौन कौन से लेवल हैं यहाँ पे आए हैं, और उसके बाद हम लोग को कल कैसे काम करना है। यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पे आपको बता दूँ जैसे मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया था, गैप अप ओपन होने के बाद देखो मार्केट में धीरे धीरे अपना यहाँ पे टारगेट आते गए। यहाँ पे देखिएगा टारगेट आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, जो हमारे यहाँ पे लेवल था उसको रिटेस्ट किया, ये देखिए 20,222 इसको रिटेस्ट किया। इसको रिटेस्ट करने के बाद फिर से बड़ी कैंडल बनी, ये ऊपर तक गई, इसको भी मार्केट ने रिटेस्ट किया, ऐसा नहीं कि ऊपर भाग गया यहाँ से, इसको रिटेस्ट किया, ये देखिए फिर से रिटेस्ट किया 20,245, ये मैंने आपको यहाँ पे लेवल प्रोवाइड किया था। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, और यहाँ पे जो लेवल है इस पे मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो ये जोन आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। बाकी मार्केट में देखोगे यहाँ पे जो मार्केट घूम रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोजीशन मतलब यहाँ पे होल्ड है, कॉल वाले ऊपर सेल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे पुट वाले नीचे सेल कर रहे हैं, तो दोनों तरफ मार्केट में पोजीशन अभी होल्ड है। तो मार्केट क्या है, एक साइडवेज जोन पे फंस गया। अब यहाँ से मार्केट में जैसे लोगों का एसएल हिट होगा मार्केट तेजी से यहाँ से वापस गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी देखेंगे ऑल टाइम हाई पे तो मार्केट पहुँच चुका है निफ्टी 50 का, बाकी मार्केट में आगे क्या होने वाला है तो यहाँ पे इसका आपको मैं यहाँ पे लेवल प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे मार्केट अभी यहाँ पे साइडवेज है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई मार्केट में अगर ईएमए का देखो ईएमए के नीचे आ गया मार्केट अभी आते हुए दिखाई दे, तो अपने को क्या करना है, अगर ईएमए इसी हिसाब से चाहता है नीचे की तरफ, हम लोग नीचे का टारगेट लेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा इसको रिटेस्ट करने देना, जहाँ पे मार्केट ने अभी सपोर्ट लिया है 20,245, इसको मतलब यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद देखो पहला टारगेट जो आपको मिलने वाला 20,222, अगेन यहाँ पे सेकंड टारगेट अपने को यहाँ पे मिलेगा फिर से 20,195, मतलब यहाँ पे 20,200 के करीब, और थर्ड अपने को यहाँ पर टारगेट मिल सकता है नीचे का 20,150 के करीब। आप इस हिसाब से नीचे का टारगेट ले सकते हैं। बाकी आपको मैं यहाँ पे ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, बाकी जो लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, मैं काफ़ी सारी रीडिंग मतलब यहाँ पे लर्निंग आपको देता हूँ जिससे आप यहाँ पे मार्केट में अच्छे से सीख सके, ठीक है, क्योंकि वही आपको यहाँ पे काम आने वाला है। बाकी किसी के टिप वगैरह के चक्कर में पड़ोगे, आज प्रॉफिट करोगे कल करोगे, बाकी तीसरे चौथे दिन या फिर लाइफ टाइम आपको यहाँ पे लॉस ही होना है। तब अपनी मेहनत के ऊपर काम कीजिए कि भाई आपने जितनी मेहनत की आपको उसका मतलब उस हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से मार्केट में काम कीजिए। बाकी देखोगे आप यहाँ पे इसका अगर मार्केट यहाँ पे देखो साइडवेज होकर के ऊपर की तरफ जाता है, अब क्या करोगे, यहाँ से मोमेंटम वापस बना सकते हो, इसको रिटेस्ट करने देना। इसको देखो यहाँ पे 20,277 के करीब, इसको रिटेस्ट करने के बाद आप फिर से ये टारगेट ले सकते हो। क्यों, ये स्कैल्पिंग का टारगेट है, क्योंकि मार्केट एक बार यहाँ पे रिटेस्ट ले चुका है, तो यहाँ तक वापस मार्केट आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग दे सकता है। बाकी
फिर से यहाँ पे फॉल दे सकता है, तो इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डालना है, इसी हिसाब से मार्केट यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। बाकी जो ऊपर के टारगेट रहने वाला है मेरे को अभी जो दिख रहा है ऊपर के टारगेट, पहला आप ये ले सकते हैं, बाकी जो दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20,350 के अराउंड, मतलब यहाँ पे मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है, आप 300 के करीब ले सकते हो यहाँ पे, दूसरा आपको 20,350 के करीब यहाँ पे ऊपर का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से मार्केट में काम कीजिए। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे कि भाई बैंक निफ्टी कैसे यहाँ पे काम कर सकता है, तो इसके लेवल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये भी हो सकता है कि भाई मंडे के दिन ये मतलब ऑल टाइम हाई लगा दे मार्केट में यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये भी मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज जोन बनाया है, एक ट्रिपल टॉप बनाया, तो इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये लेवल कौन सा है, ये है 44,950, ये देखो यहाँ पे 44,950। अब ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 44,950, ठीक है, आपको यहाँ पे आइडिया मिल रहा होगा। तो ये लेवल यहाँ पे ध्यान दीजिए। बाकी इसमें देखो अपने कैसे काम करेंगे कि भाई अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो ऊपर के हम लोग यहाँ पे टारगेट ले लेंगे। पहला आ जाएगा हमारा यहाँ पे 45,085-90 के करीब, सेकंड अपने को यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा 45,236 मतलब 40 के करीब, ठीक है। तो आप इस हिसाब से ऊपर के टारगेट ले सकते हैं। बाकी देखो इसके नीचे अगर मार्केट में आपको काम करना है तो आप कैसे काम करोगे, ये साइडवेज जोन है इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। मार्केट ईएमए को टच करके देखो नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखो एक कैंडल गिरी, रिटेस्ट किया आपने एकदम सपोर्ट की तरफ, देखो यहाँ पे कितना ये पॉइंट 44,835, यही पॉइंट से देखो वापस सपोर्ट लेकर के देखो ऊपर की तरफ जा रहा था, यही पॉइंट को एक रेजिस्टेंस बना रहा है। पहले क्या था, सपोर्ट था, इसको क्या बनाएगा, रेजिस्टेंस बनाएगा। इसको देखो रेजिस्टेंस बनाने के बाद अगर मार्केट यहाँ से फॉल हो तो आपको दिखाई देता, तो आप पहला टारगेट यहाँ पे नीचे कर ले सकते हो, वो होने वाला यहाँ पे 44,696 मतलब यहाँ पे 700 के करीब, ठीक है 44,700 के करीब। इसके नीचे अगर मार्केट गिरता है ये को टच करके तो 44,550 का टारगेट लेंगे, और अगर मार्केट इसके नीचे गिरता है तो 44,424 मतलब यहाँ पे 25 के करीब। बाकी इसके नीचे अगर मार्केट गिरता है तो टारगेट आपका आ जाएगा यहाँ पे 44,260 के करीब। तो आप इस हिसाब से मार्केट में यहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे ही मार्केट में काम करते रहे, बाकी आपको मैंने यहाँ पे जो वीडियो प्रोवाइड की है ये जाकर के इससे देखिए, सीखिए मार्केट में, और ऐसे मतलब यहाँ पे ग्रुप में जुड़े रहिए अगर आपको यहाँ पे मार्केट में सीखना है तो, ठीक है। बाकी ऐसे ही काम करते रहिए, बाकी मैं आपको और अपडेट दे दूंगा मतलब आगे भी। और बाकी जो दिसंबर मंथ की जो हमारे यहाँ पे प्रिडिक्शन होने वाली मंथली प्रिडिक्शन जो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो पे आपको मैं बता नहीं पाऊंगा, यहाँ पे वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। बाकी जो आपको मैं यहाँ पे मंथली जो प्रिडिक्शन बताता हूँ मार्केट में कि भाई जो मार्केट मंथली जा रहा है, भाई मार्केट किस हिसाब से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, यहाँ पे देखोगे एक अच्छा रिटेस्ट किया, देखो यहाँ पे रिटेस्ट किया ऊपर, फिर से रिटेस्ट किया ऊपर, तो ये जो मार्केट जाने वाला अगर यहाँ से ऊपर की था तो ये कितना ऊपर जा सकता है, ये भी आपको मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बाकी जो लोग यहाँ पे चैनल में पहली बार तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।